नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से धर्म कर्म की बातों में स्वागत करती हूं। आज की खास वीडियो होने वाली है धार्मिक वीडियो चैत्र नवरात्रि के ऊपर, क्योंकि चैत्र नवरात्रि साल 2024 में खरमास में शुरू हो रही है। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न किया जाए और खरमास में किस तरीके से चैत नवरात्रि की पूजा की जाए, जिससे कि धन धान्य से हमारा घर भरा रहे। चलिए आपको बताते हैं कि क्या खास होने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 9 अप्रैल से चैत नवरात्रि शुरू हो रही है और इस बार खास बात ये है कि नवरात्रि की शुरुआत खरमास में होगी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। खरमास में ही हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होगी। सनातन धर्म में खरमास को अच्छा नहीं माना जाता है, इस दौरान शुभ कार्यों की भी मनाही होती है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि खरमास में चैत नवरात्रि के शुरू होने से आप सबके जीवन पर, वर्तियों पर क्या बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और हम सबको, जो लोग पूजा करना चाहते हैं चैत नवरात्रि की, उनको क्या क्या सावधानी जो है इस दौरान बरतनी है। तो दोस्तों, हम आपको बता देंगे कि खरमास की शुरुआत जो है वो 14 मार्च से हो चुकी है और ये जो है 13 अप्रैल तक पूरी तरह से रहने वाली है। और ऐसे में 9 अप्रैल से चैत नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है, यानी कि चैत्र नवरात्रि भी खरमास में शुरू होगी, लेकिन खरमास का कुछ खास प्रभाव चैत्र नवरात्रि पर नहीं पड़ेगा। हाँ, इस दौरान माँ के भक्तों को माता दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए कुछ उपाय जरूर करने होंगे। नवरात्रि के शुरुआत के दिन अबुझ मुहूर्त है, जो शुभ माना जा रहा है। इस मुहूर्त में जो भी जातक माता दुर्गा की पूजा आराधना कर अपनी मनोकामनाएं मांगता है, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो वहीं माता दुर्गा की विशेष कृपा पाने के लिए चैत नवरात्रि में आप कुछ खास उपाय जरूर करें। चलिए आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि खरमास में चैत नवरात्रि की शुरुआत होगी, ऐसे में माता दुर्गा की विशेष कृपा पाने के लिए चैत नवरात्रि के कलश स्थापना की दिशा का विशेष ख्याल रखें। भूल कर भी गलत दिशा का चयन आप ना करें। कलश स्थापना घर के ईशान कोण में ही करना चाहिए, उत्तर पूर्व की दिशा में भी कर सकते हैं। दूसरी जो आपको बात का ध्यान रखना है चैत नवरात्रि में, वो है कलश स्थापना के मुख्य द्वार पर माता दुर्गा के चरण चिन्ह जरूर आपको बनाना है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इससे माता दुर्गा साक्षात आपके घर में पधारेंगी और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। और आपको जो तीसरी बात है जिसका ख्याल रखना है, वो है माता दुर्गा को चुनरी बहुत ही प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के समय माता दुर्गा को चुनरी अवश्य अर्पण करें, जो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। चौथी बात ये है कि नवरात्रि के समय जो अखंड ज्योति जलाई जाती है वो घर के अग्नि कोण में जलाएं, यानी घर के दक्षिण पूर्व कोण में घी का दीपक जलाएं। मंदिर में भी दक्षिण पूर्व दिशा का चयन अखंड ज्योति के लिए ही आप करें, ये बहुत ही शुभ माना जाता है और अच्छा भी रहता है। पांचवी बात का ख्याल ये रखना है कि माता दुर्गा को गुड़हल के साथ कनेर का पुष्प जरूर अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से, आपके शरीर से दूर होती है। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है और घर में खुशहाली का माहौल भी बना रहता है। तो दोस्तों, ये सब होने वाला है चैत नवरात्रि में। हालांकि शुरुआत खरमास में हो रही है, मगर इसका शुभ किस तरीके से फल आप प्राप्त कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको हमारे इस खास वीडियो में दी है। अगर आपको पसंद आई हो हमारी ये खास जानकारियां, तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताइएगा।